हेलो बच्चों, कैसे हैं सब? ठीक? वेलकम टू माय चैनल। मैं मीनाक्षी झा आपके लिए लेकर आई हूँ केमिस्ट्री का क्लास, जिसमें मैं आज आप लोगों को क्या पढ़ाऊंगी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके प्रिपरेशन के लिए मैं अभी प्रिपेयर करवा रही हूँ आप लोगों को नीट, जो आने वाला है अभी अप्रैल में। ठीक, उसकी मैं आपकी तैयारी करवाऊंगी। तो इसके लिए सबसे पहले मैं अभी स्टार्ट करने वाली हूँ जीओसी। जो 11th से स्टार्ट है, मैंने 12th का करवा चुका है। जो नहीं पढ़े हैं वो मेरे चैनल पे जाके देख लीजिएगा, प्रीवियस सारा वीडियो है उस पे जाके देख लीजिएगा। बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। ठीक है, तो आज से मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ? 11th का जीओसी। तो मन लगा के पढ़िएगा, अच्छे से बने रहिएगा, और जितना हो सके मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करें। चलिए आज से स्टार्ट करते हैं 11th का जीओसी। ठीक, जीओसी यानी जनरल केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक, तो उसमें सबसे पहले आते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, सब जानते हैं क्या? फिजिकल, इनऑर्गेनिक, एनऑर्गेनिक। फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे क्या? लॉज एंड एप्लीकेशन। क्या होगा? लॉज एंड एप्लीकेशन एंड फिजिकल फिनोमेना। किसी भी एलिमेंट का क्या है? फिजिकल फिनोमेना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है? सबसे अच्छा ये मेन है पीरियोडिक टेबल। उसके बाद क्या होगा? स्टडी ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, ये पढ़ना है। इन एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या? ऑर्गेनिक पूरा केमिस्ट्री है स्टडी ऑफ कार्बन, उसी पे डिपेंडेंट ही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट। अब पहले देख लेते हैं क्या है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या। ठीक, एंड इसका हिस्ट्री पहले क्या देखेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इसका हिस्ट्री देखेंगे। जीओसी में क्या हिस्ट्री है और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें। चलिए बच्चों, कोई भी कंपाउंड हो, एलिमेंट हो या सब्जेक्ट हो, या हर एक के पीछे कुछ हिस्ट्री होता है। जैसे जैसे समय बदलता है उसमें कुछ चेंजेस होते जाते हैं। जो अभी है वो मॉडर्न है, जब मेरे बाद का समय आएगा तो हम फ्यूचर बन जाएंगे, और आने वाला समय जो है वो प्रेजेंट बन जाएगा, वो मॉडर्न। मेरा दिया हुआ जो या अभी का दिया हुआ जितना थेसिस होगा या कोई फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा? हिस्ट्री बन जाएगा, और आने वाला क्या हो जाएगा? वो मॉडर्न हो जाएगा। तो जिस वैसे ही जब केमिस्ट्री का आपको पता लगाया गया तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का पता लगा, तो हिस्ट्री में क्या पता लगा? जब स्टार्टिंग हुआ तो क्या पता लगा? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोला जाएगा? तो पहले के जो थे वैज्ञानिक लोग, ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोले? वैसे कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन किए जाते, द कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट, एनिमल, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। हम लोग से पहले भी सबसे पहले प्लांट आया, क्या आया? ठीक है, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो कंपाउंड मिलता है, ऑब्टेन किया जाता है, वैसे कंपाउंड को क्या कहा गया? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा गया। जैसे क्या हुआ? सुगर हुआ, प्रोटीन हुआ। ठीक है, ये सब क्या है? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑयल, सुगर, ये सारे किससे? प्लांट से या एनिमल से मिलते हैं, इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हुआ? तो ऐसे कंपाउंड, सच कंपाउंड विच ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त हुआ वो इनऑर्गेनिक हो गया, और लिविंग से जो प्राप्त मिला वो क्या हुआ? जिसे ऑब्टेन किया गया वो क्या हो गया? ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। फिर नया, फिर उसके बाद एक नए ये वैज्ञानिक आए, साइंटिस्ट आए, वर्जीलियस, जिन्होंने अपना हाइपोथेसिस दिया। उन्होंने अपना हाइपोथेसिस क्या दिया? जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो जो है सो ऑर्गेन लिविंग ऑर्गेनिज्म से तो बनते ही हैं, साथ में नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी बनते हैं। चलिए उनके बारे में देखते हैं, उन्होंने क्या हाइपोथेसिस दिया। तो क्या बोल रही थी मैं? बर्जीलियस ने कुछ नया नहीं बताया। बर्जीलियस ने ये बताया, जो प्लांट और एनिमल को एक मिस्टीरियस फोर्स, एक रहस्यमय फोर्स जो है, वो रहस्यमय फोर्स जो है वो प्लांट और क्या होता है, मिस्टीरियस फोर्स विच ऑपरेट द प्लांट एंड एनिमल एंड दे प्रोड्यूस ऑर्गेनिक कंपाउंड। चूंकि यहाँ पहले बताया गया है क्या, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड किससे प्राप्त होता है, किससे ऑब्टेन किया जाता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी प्लांट और एनिमल से। एंड ये एक नया हाइपोथेसिस किया दे दिए, ये बताए क्या, जो ये प्लांट और एनिमल ऑपरेट किए जाते किससे? एक मिस्टीरियस फोर्स, ये तो हम अभी मानते हैं,
प्लांट एंड एनिमल, कैसे कहीं भी बंजर जमीन रहता है कैसे वहां से एक प्लांट निकल जाता है, एक मिस्टीरियस फोर्स ही है ना वो। तो मिस्टीरियस फोर्स जो है जो प्लांट एंड एनिमल को क्या करता है, ऑपरेट करता है, वही क्या करता है, प्रोड्यूस करता है किसको, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इस मिस्टीरियस फोर्स को ना तो आर्टिफिशियली बनाया जा सकता, ना उसको बनाया जा सकता है, ना इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, उसे आर्टिफिशियली बनाया ही नहीं जा सकता है। मिस्टीरियस फोर्स आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जा सकता है नहीं। तो उसी फोर्स, तो चूंकि आर्टिफिशियली मिस्टीरियस फोर्स आर्टिफिशियली प्रोड्यूस नहीं होता, इसी कारण इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड भी आर्टिफिशियली नहीं बनाया जा सकता है। हिस्ट्री था तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलता है ओनली, ठीक। हाइपोथेसिस दिया बर्जीलियस, इसमें आके क्या, जो मिस्टीरियस फोर्स जो है वही प्रोड्यूस करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म से। अब इसको किसने काटा, इसको वोहलर ने 1828 में, वोहलर ने क्या किया, एक्सीडेंटली इन्होंने लेबोरेटरी में यूरिया बना डाला, किसी अमोनियम साइनाइड से यूरिया बना डाला। ये अमोनियम साइनाइड क्या था, इनऑर्गेनिक कंपाउंड था, यानी अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया जा सकता है। तो वोहलर ने क्या किया, वोहलर ने क्या किया, ये टोटली क्या है, ये टोटली इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या किया गया, बनाया गया यूरिया। इससे तो ये हो गया जो बोला जाता है ओनली ऑर्गेनिक लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही बनाया जा सकता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि क्या हो गया, वोहलर के सिंथेसिस से पता चला, जो नहीं इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी और लेबोरेटरी में भी इसे बनाया जा सकता है। तो चलिए आप देखें क्या है वोहलर का सिंथेसिस। तो बाय चांस क्या हुआ था, 1828 में इनके द्वारा, वोहलर के द्वारा क्या हुआ, लेबोरेटरी में क्या बना, अमोनियम साइनाइड से यूरिया बना। ये क्या हो गया, ये बहुत बड़ा इन्वेंशन हो गया, बहुत बड़ा क्रांति हो गया, क्या जो लेबोरेटरी में बनाया जा सकता है क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड। इतना दिन तक तो ये था, जो एक मिस्टीरियस फोर्स के द्वारा प्रोड्यूस होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, किससे, लिविंग ऑर्गेनिज्म से। लेकिन क्या हुआ, वोहलर जो सिंथेसिस थे उसमें क्या हुआ, तो अमोनियम साइनाइड से क्या बनाया गया, यूरिया बना। इसमें कुछ चेंजिंग नहीं हुआ, वही कंपाउंड है। यहाँ देखिए कितना है, एन कितना है, 1 2। इसमें भी देखिए नाइट्रोजन की संख्या 2 है, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 4, इसमें भी 4। फिर यहाँ कार्बन की संख्या 1 1 एंड ऑक्सीजन की संख्या, सिर्फ ओनली रीअरेंज हुआ, इसके स्ट्रक्चर में सिर्फ क्या हुआ, डिफरेंस हुआ, लेकिन जितने एलिमेंट थे और कंपाउंड वही। उसके बाद कितना, 1845 में कोल्बे ने जब लेबोरेटरी में एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन किया, तब पूरी तरह से उन्होंने बताया क्या, जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सोर्स के द्वारा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन संभव है। ये बहुत बड़ा रिवोल्यूशन था किसमें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फील्ड में ये बहुत बड़ा रिवोल्यूशन था। ये बताया गया क्या, जो ऑर्गेनिक, इसमें तो वोलर थी जो सिंथेटिकली बन सकता, आर्टिफिशियली बनाया जा सकता है, जो था आर्टिफिशियली उसका क्या हो सही, इसका प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि मिस्टीरियस फोर्स आर्टिफिशियली प्रोड्यूस हो ही नहीं सकता है, इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड भी आर्टिफिशियली नहीं बनाया जा सकता है। जबकि वोलर ने बताया कि आज जो आर्टिफिशियली इसे बनाया जा सकता है, एंड कोल्बे ने क्या बताया, कोल्बे ने बताया जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में इनऑर्गेनिक सोर्सेस के द्वारा भी बनाया जा सकता है। इसके बाद आया क्या, मॉडर्न थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें क्या, ये मेरे क्या बताया गया, ऐसे कंपाउंड जिनमें मेन कौन दो एलिमेंट रहे, कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिसमें ये दो मेन रहे कार्बन एंड हाइड्रोजन, और अमंग विद सल्फर नाइट्रोजन ऑक्सीजन रहे, तो ऐसे कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ये मॉडर्न थ्योरी है। तो चलिए मॉडर्न थ्योरी का डिस्क्रिप्शन दे दी, इतना मैंने लिखा, आई थिंक आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे। चलिए मॉडर्न थ्योरी में लिखा, तो मॉडर्न डिफिनेशन क्या दिया गया, मॉडर्न डिफिनेशन दिया गया, फाइनल डिफिनेशन था, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन एज मेन एलिमेंट, समटाइम्स अमंग विद सब एलिमेंट सच एज ऑक्सीजन सल्फर नाइट्रोजन हैलोजन,
तो ये कहलाते क्या है, उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा गया। ठीक है, जो मेन एलिमेंट में क्या हो, कार्बन एंड हाइड्रोजन हो। ठीक है, तो क्या अगर हम बोले जो CO2 ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, नहीं CO2 ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। अब CCl4 ऑर्गेनिक कंपाउंड है, CCl4 ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हाँ CCl4 जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कंपाउंड है। कैसे, यहाँ ये कार्बन CH4 जो है इसका डेरिवेटिव है, यहाँ कार्बन की चारों वैलेंसी को रिप्लेस किया है CL4, ये कार्बन इसकी क्या है मीथेन के डेरिवेटिव से, इसलिए ये क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जबकि CO2 ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। तो ऐसे ही जैसे जैसे समय बीतता जाएगा नए नए इन्वेंशन होते जाएंगे, नई नई खोजें होती जाएंगी और नया नया डेफिनेशन बनता जाएगा। तो अभी तक के लिए हम लोगों का यही है, क्या है मॉडर्न डेफिनेशन, यही है जो ऐसे कंपाउंड जिनके मेन एलिमेंट क्या हो, कार्बन एंड हाइड्रोजन हो, एंड सब एलिमेंट में क्या क्या होना चाहिए, सल्फर होगा, हाइड्रोजन होगा, नाइट्रोजन होगा और हैलोजन होगा, तो वैसे कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। इस तरह से हम लोगों ने आज क्या क्या स्टार्ट किया है, जीओसी स्टार्ट किया है। आई होप आप लोगों को मेरी क्लास ये अच्छी लगी होगी, तो जल्द से जल्द जितना हो सके मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे वीडियो के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।